हेलो दोस्तों, सुपर टेस्टी अंडा करी खाने के लिए ऐसे बनाएं। हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है, अभी हम इसमें सरसों तेल डाल देंगे। तेल को हम गरम होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा टमाटर का पेस्ट है, ये हमारा प्याज का पेस्ट है और अंडे को हम ऐसे काट चुके हैं। अभी हम अंडे को फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा अंडे फ्राई करके हम निकाल चुके हैं। हरा मिर्च और तेज पत्ता को हम डाल देंगे और पिसा हुआ प्याज को हम डाल देंगे और हल्दी इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे। जब तक हमारा प्याज भून ना जाए तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें लहसुन डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। मिर्ची पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अभी पिसा हुआ टमाटर पेस्ट को हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मसाला को हम अच्छे से भूंज लेंगे। मसाला हमारा जले मत, इसीलिए हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला भून चुका है। अभी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हम अच्छे से मिला चुके हैं। पानी हम थोड़ा सा इसमें ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करके गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हम कस्तूरी मेथी भी डाल दिए हैं। हमारा करी बन चुका है, इसमें हम अंडे डाल देंगे। इसको अच्छे से हम चला लेंगे। ये देखिए, ढक्कन बंद कर देंगे और ढक्कन खोल कर हम देख लेंगे। ये देखिए, हमारा अंडा करी कितना मस्त बन चुका है। अभी हम थोड़ा सा चला कर इसको देखिए अच्छे से मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अभी देखिए, हमारा अंडा करी कितना चटपटा टेस्टी बन चुका है। ये देखिए, हमारा अंडा करी कितना टेस्टी दिख रहा है। अभी हम इसको निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए, हमारा अंडा करी कितना स्वादिष्ट दिख रहा है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।